खराब ने संफेद तो खुराब ने समझ लिता कि असी खुराब की हजूरी चा सकी है। असी खुराब का धनबाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस लॉर्ड। खुदावंद दी तारीफ, 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 लॉ जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद लॉ जीसस, तू जिंदा खुदा लॉ जीसस। हालेलुया, ओ लॉ जीसस तेरी तारीफ, 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 तारीफ। खुदावंद लॉर्ड अज दे दिन दे समय वास्ते, इस दिन वास्ते खुदावंद, समय वास्ते खुदावंद तेरा धन्यवाद करदे लॉ जीसस। हालेलुया, खुदा इस ग्रुप नुरावा, हर एक मैंबर खुराव तेरे लहू च छुपा दें लॉर्ड जीसस। हालेलुया, लॉर्ड जीसस जो भी खुराव दे हजूरी च आए हैं खुराव तेरा धन्यवाद करते खुरावन, जो नहीं भी आए खुराव तो उन्होंने भी लैके आ लॉर्ड जीसस। असी खुरावन ताकि इकट्ठे हो के खुराव तेरी मैं तेरी महिमा दे नाम बड़ियाई तेरे नाम जलाल दे सकिए लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ओ यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरे वचन च लिखे इतने दो या तीन मेरे ना दे इकट्ठे होने उत्थे मेरी हजूरी उत्थे मौजूदगी होगी। खुदावन तेरी हजूरी तेरी मौजूदगी साढ़े विचकार है लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज द 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 लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन लॉर्ड, खुदावन तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरा धन्यवाद हो, खुदावन लॉर्ड, खुदावन तेरी जय जयकार हो लॉर्ड जीसस। हालेलुया, खुदावन तू हर वक्त महिमा दे बड़े रे जो खुदावन लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ओ यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन लॉर्ड, खुदावन अज्ज दी सारी मीटिंग नूं खुदावन मैं तेरे हत्थां सौंप दिंदी हां लॉर्ड जीसस। खुदावन तू सानूं समझ देना, खुदावन सानूं बुद्धि देना लॉर्ड जीसस। खुदावन साडी अग्गे अग्गे हो के खुदावन साडी अगवाई करना लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ओ यस लॉर्ड जीसस, खुदावन तेरी तारीफ होवे, खुदावन तेरा धन्नवाद होवे लॉर्ड जीसस। सारी मीटिंग दा होर खुदावन तेरे हत्थां च दिंदी हां खुदावन लॉर्ड, तेरे प्यारे पिता नाम च मंगदी पांदी हां। आमीन, आमीन, प्राइज़ द लॉर्ड। और फर्स्ट वर्शिप कर रहे सिस्टर समरीन ना मिलके। सिस्टर समरीन जी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गीत अपने मसीहा के गाकर कहो, दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहो। गीत अपने मसीहा के गाकर कहो, दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहो। आ आ आ आ आ आगे आगे हमारे हो, हर पल चले हम मनाए खुशी उसके साए तले। आगे आगे हमारे हो, हर पल चले हम मनाए खुशी उसके साए तले। हालेलुया के नारे लगा कर कहो, हालेलुया के नारे लगा कर कहो। गीत अपने मसीहा के गा कर कहो, दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहो। आ आ आ आओ देखो हवा की परिंदों को भी, जो न बोए कभी जो न काटे कभी। आओ देखो हवा की
परिंदों को भी जो ना बोए कभी, जो ना काटे कभी अपनी फिक्रें सभी, तुम भुला कर कहो अपनी फिक्रें सभी, तुम भुला कर कहो गीत अपने मसीहा के गा कर कहो, दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहो, गीत अपने मसीहा के गा कर कहो, दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर जी, खुदा तुम आशीष दे, बरकत दे, हालेलुया। मैं एक वर्स पढ़ूंगी जैसा ही आज। प्रभु जो इसराइल का रक्षक है अर्थात स्वशक्तिमान प्रभु कहता है, मैं आदि ते अंत हाँ, मैं ही केवल एक मात्र परमेश्वर हाँ, कोई दूजा मेरे बराबर नहीं। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद। खुदावन साडा जिंदा खुदा और साडा ओही खुदावन जो आदि अंत है और उसके बराबर कोई भी खुदा नहीं। साडा जिंदा खुदा, खुदावन धन्यवाद करते हैं। और अगे असी प्रभु की महिमा वास्ते गीत गावांगे सिस्टर अमनदीप नाल मिलके। सिस्टर अमनदीप जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, जसू राजा दी खजानिया चो मैनू बरकत मिल जावे, मेरा बल भी जहोवाए ते चट्टान जहोवाए, मेरा यच भी जहोवाए, मेरा कल भी जहोवाए, मैनू रखी खुदा सांब सांब के, कदी शल ना खपचे आवे, सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी, मेरे बिच ना कमंडी आवे, मैं जेड़े पासे भी देखां जसू तुयोई नजरिया में, मीठा नाम जहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, जसू राजा देख जानिया चो मैनू बरकत मिल जावे, ते तो कुछ अन होना नहीं, तू तो सब कर सकदा है, खाली आन वालियां दी तू चोली पर सकदा है, अज खाली जेड़ा आया है ओ खाली ना जावे, मीठा नाम जहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, जसू राजा देख जानिया चो मैनू बरकत मिल जावे, मेरा बल भी जहोवाए ते चट्टान जहोवाए, खुदा अज तेरी बंदगी चो तेरी रूह दा मसाया वे,
मीठा नाम जहोवादा मेरे दिल विच बस जावे जसू राजा देख जानिया जो मैनू बरकत मिल जावे आमीन प्रेस करो आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया थैंक यू सिस्टर जी खुदावंदा नु आशीष देवे हालेलुया और इस तरह से प्रभु की महिमा वास्ते गीत गावांगे सिस्टर सिस्टर बफा होना ना मिलके सिस्टर बफा जी प्रेज लॉर्ड के दिसे हुनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा के दिसे हुनी यहोवा ने आंदे जा छुड़ा तदो साडा हाल सी जिवें सूफ न कोई वेखदा तदो साडा हाल सी जिवें सूफ न कोई वेखदा मुँह साडे भर गए हासे तेरा गाना लतान मुँह साडे भर गए हासे तेरा गाना लतान गैर कौमावे जे चर्चासी के एना दा खुदा गैर कौमावे चिचर चासी के ए नादा खुदा करदा है ए नादे उते बढ़िया मेहरबानिया करदा है ए नादे उते बढ़िया मेहरबानिया मेहरबा साडा यहोवा खुश हसीए सो सदा मेहरबा साडा यहोवा खुश हसीए सो सदा तू ए साडे कैदी सारे दकनी नहरां दे वांग तू साडे कैदी सारे दकनी नहरां दे वांग अपनी रहमत नाल या रबा छुड़ा के घर ले आ अपनी रहमत नाल या रबा छुड़ा के घर ले आ हंजुआं दे नाग घन बीज दे हंजुआं दे नाल रो रो के Hallelujah, praise the Lord. I think उन्हें भी शायद problem आती है नेट से. Hallelujah, कराना ना आशीष दे जो भी नेट दी problem ठीक करे कराओ. और ऐसे मैं एक verse पढूंगी. प्रभु कहंदा है, हे इस्राएल तू छोटा ते कमजोर है, पर तू डर ना मैं तेरी मदद करांगा. मैं इस्राएल दा पवित्र परमेश्वर तेरा बचा करांगा. Hallelujah, खुदावन साडा परमेश्वर जो सानू जो असीं कमजोर हुंदे आ खुदावन साडा की है जोर बांधा और साडी मदद करदा परमेश्वर कहिंदा कि सानू किसी भी चीज तो की असीं डरीए ना क्योंकि साडा परमेश्वर की है साडा बचाव करने वाला साडा जिंदा खुदा. हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड.
सिस्टर जी तुसी कंटिन्यू करना चाहुंदे गीत अपना तुसी सिस्टर वफा हां जी मैं गा रही थी मुझे पता ही ओके ओके चलो तुसी गाओ पंजुआं दे नाल रो रो के जो बीजन बीज दे हंजुआ दे नाल रो रो के जो बीजन बीज दे फसल वर्डन गे खुशी दे नाल गागा के सदा फसल वर्डन गे खुशी दे नाल गागा के सदा बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जांदा है पर खुशी देना ले बेशक भरिया चुक के आवेगा पर खुशी देना ले बेशक भरिया चुक के आवेगा कैदी सहूनी यहोवा ने नया दे जा छुड़ा हालेलुया प्राइज द लॉर्ड थैंक यू सिस्टर जी खुदावंद तुहानू आशीष देवे बरकत देवे और इसी तरह से खुदावंद ने मले गीत गाउंदे रहो खुदावंद तुहानू आशीष देवे हालेलुया और असीं अगे प्रभु दा धन्नवाद करदे जो खुदावंद ने सानू समां दित्ता कि असीं प्रभु दी महिमा कर सकीए गीत गा सकीए हालेलुया प्राइज द लॉर्ड 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, Khudavan te tareef hove Lord Jesus te dhanwad Khudavan Lord jo vi geet gaaye Lord Jesus Khudavan te dhanwad Khudavan tu sanu samaan ditta Lord Jesus Khudavan ki assi teri mehma kar sakiye Lord Jesus te dhanwad Lord hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Jesus Lord Khudavan tu mahaan zinda khuda Lord Jesus tera dhanwad Lord Jesus hallelujah oh yes Lord Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord Khudavan खुदावन असी अगे जो भी खुदावन लॉर्ड बचन पढ़ी है लॉर्ड जीसस खुदावन तू साडे रूहानी कन्ना नु साडे रूहानी अखां नु साडे दिल दिमाग नु खुदावन तू खोलना लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ लॉर्ड जीसस खुदावन ताकि असी खुदावन जो सानू तू साडे नाल गल करनी चाहुंदा खुदावन असी सुन सकीए लॉर्ड जीसस ओ समझ सकीए लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावन तू सानू खुदावन सानू समझण लई बुद्धि देनी है लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन तेरा कलाम दा बचन खुदावन कलाम दा जिहड़ा बीज खुदावन लॉर्ड जीसस साडे दिल दीआं गहराईआं च टिके खुदावन जिहड़ा 30 गुणा नहीं 60 गुणा नहीं सगों 100 गुणा फल लैके आवे खुदावन हालेलुया लॉर्ड जीसस साडी जिंदगी च सिर्फ सिर्फ तेरी मर्जी पूरी होवे लॉर्ड हालेलुया खुदावन असि सिस्टर शहीन होना खुदावन ते लहू च छपाने लॉर्ड जीसस हालेलुया खुदावन लॉर्ड खुदावन जो भी सिस्टर होनी बोलन खुदावन लॉर्ड जीसस ओ नहीं सगों तेरा पाक रू खुदावन उन्होंने तेरे और हो के खुदावन लॉर्ड जीसस साडे नाल गल करे खुदावन लॉर्ड हालेलुया ओ यस लॉर्ड जीसस खुदावन तू नाल ब्लेस कर लॉर्ड जीसस खुदावन लॉर्ड होर भी आत्मिक तौर ते तकड़िया कर खुदावन लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस लॉर्ड खुदावन तेरी तारीफ होए खुदावन तेरा धन्यवाद लॉर्ड जीसस असि जो भी खुदावन मंगिया लॉर्ड जीसस पा लिया खुदावन तेरे प्यारे पवित्र नाम च मंगदे हां आमीन आमीन प्राइज़ द लॉर्ड अगे असि सिस्टर शीना वेलकम करदे सिस्टर जी सानू अगे गाइड करूंगे प्राइज़ द लॉर्ड सिस्टर जी प्राइज़ द लॉर्ड मेरी आवाज आ रही हां जी आ रही सिस्टर जी हम रोटी और पानी के लिए दुआ करते हैं हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ है बाप खुदा
तेरे मर्दों में से जी उठने के लिए खुदाम खुदा, तेरे सलीबी मौत के लिए खुदाम खुदा, तेरे खून बहाने के लिए खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तेरे वसीला से आज हम आजाद हैं, बहाल हैं खुदाम खुदा, शैतान के उस शिकंजे से खुदाम खुदा उसकी कैद से आजाद हैं। खुदाम हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि खुदाम तूने हमें इस काबिल समझा कि खुदाम तूने अपनी पाक मेज में हमें शरीक किया। खुदाम हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम ये बदन तूने हमारी खातर तोड़ा, खुदाम ये लहू तूने हमारी खातर बहाया ताकि हम नजात पाए। हम खुदाम खुदा किसी भी तरह से किसी भी एरिए में खुदाम उसकी कैद में ना रहे, तो रोज बरोज हमें पाक कर रहा है, साफ कर रहा है खुदाम, तो हमें अपनी मानद बना रहा है खुदाम। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदाम बाप। खुदाम जब हम इस रोटी को और इस पानी को लें जो कि अब तेरे बदन में और तेरे लहू में तब्दील हो गई है, तो खुदाम हमारी जिंदगियों के अंदर से वो सारी गंदगी, वो सारी लानते, वो बीमारियां खुदाम, वो जादू टोना जो या तवीज धागा या किसी ने भी हमारे खिलाफ कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ चिल्ले चढ़ाए हैं, कुछ भी किया, कुछ हमने ऐसी गलतियां की हैं खुदाम, यीशु तेरे लहू से धुल के पाक और साफ हो जाए खुदाम खुदा, और खुदाम हम तब्दील हो जाए हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत, वो जो तुझे बातें, जो बिहेवियर जो तुझे पसंद नहीं है खुदाम, वो हमारी जिंदगियों से निकल जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आप ईमान से इस पानी को पिए और इस रोटी को लें जो कि अब खुदाम यीशु मसीह के लहू में और उसके बदन में तब्दील हो गई है। हालेलुया। मैं आज हम रेवलेशन की जो बुक है, मकाशवा की किताब है, वो नहीं पढ़ रहे हैं। आज खुदावंद ने मुझे जैसा कि हमने वेनस्डे को स्टडी ली थी कि खुदावंद चाह रहा है कि हमारे घरों में हमारी अपनी जो कुर्बान गाह है, या उससे पहले आपने शायद नोट किया, उससे पिछले वीक खुदावंद ने हमें यानी हमारे साथ बात की कि वो जो यरूशलेम की दीवारें हैं वो बनाई जाए, जो टूटी हुई हैं उनको मरम्मत किया जाए, है ना, जो होल हैं, जो सुराख हो गए हैं, जो दराड़े आ गए हैं उनको भरा जाए, है ना। और पिछले वेनस्डे को खुदा ने कहा कि बनाएं हम इनको, तो आप सबको जो उस दिन आए थे, या अगर आपने, मेरा तो ख्याल है किसी ने नहीं सुना, लेकिन चलें फिर भी अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर उस पैगाम को या उस खुदाम की आवाज को सुने कि अपने अपने घरों में खुदाम ने कहा था कि पर्सनल जो हमारी कुर्बान का है, जो बेदी है, उसको बनाएं, जहां पे सिर्फ आप अकेले बैठ के, फैमिली नहीं, आप अकेले बैठ के दुआ करें और वो नीचे बैठ के करें, वो क्या बोलते हैं, कोई नीचे चटाई या कुछ भी बिछा के नीचे, यानी हम अपने आप को हम्बल करें ताकि हमारा खुदा के साथ जो शख्सी रिश्ता है, पर्सनल रिलेशनशिप है, वो बढ़े। खुदा वो चाह रहा है इन आखिरी दिनों में, खुदा चाहता है कि खुदा का मसा जो है हमारे ऊपर रोज रोज उस तरह से ठहरे जिस तरह खुदा चाहता है। तो इसलिए हमने इस पे बात की और खुदावन ने साथ ही, जैसे कह लें उस दिन मैं श्रेया से और मैं सिस्टर अमनदीप को पता है कि खुदावन ने मुझे ये गाइड किया कि जो ये हमने पीछे सीखा था, मेरा ख्याल है पिछले साल शायद या उससे पिछले साल, कि जो जो शैतान के कह लें तारीकी के काम है, जो छुपे हुए हैं, जो शायद हम खुद भी नहीं जानते, तो उनको तर्क करना है, उनका ऐलान करना है, ताकि खुदाम की जो नजात है, जो मुक्ति है, जो खुदाम ने हमें जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें मिल जाती है। लेकिन ये अगर हमारी जिंदगी से ये काम जो है, ये बातें जो हैं
ये नहीं मिलती तो हम उस तरह से जो मैं कहूंगी कि कामल डिलीवरेंस है, जो आजादी है, जो बहाली है, वो हमारी जिंदगी में नहीं आती। वो उस तरह से हम फतेहमंद जिंदगियां नहीं गुजार सकते अगर हमारी जिंदगी में इस तरह के काम हम कर रहे हैं या हमने पीछे किए हुए हैं। तो ये छुपे काम या शर्म के काम जो है इनको आज हमने थोड़ा सीखना है और खत्म करना है, तौबा करनी है, माफी मांगनी है, ऐलान करना है और इनको उल्टा जैसे कह लें कि उसी पे डाल देना है, शैतान पे या उसकी फौजों पे, है ना। तो ये हम आज सीखेंगे कि ये कौन कौन से काम है कि जब हमें मुक्ति मिल जाती है, निजात मिल जाती है, हम मसीह में आ जाते हैं, हमारे जो गुनाह हैं वो माफ हो गए हैं जब हम यानी नए सिरे से हम पैदा हो गए हैं। और कई दफा होता है कि हम पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं, पाखरू का बपतिस्मा भी हो गया है, लेकिन ये काम या ये बंधनों में हम बंधे होते हैं जिसकी वजह से बहाली जो है हमारी जिंदगी में नहीं आती। तो आज हम एक एक काम, ये जो शर्म के काम हैं या खुदा के खिलाफ काम है, जो छुपे हुए काम हैं, इनका हमने इनको जानना है और फिर इनका इनकार करना है, ऐलान करना है कि हमारा इनके साथ कोई लिंक नहीं है ना। तो जब ये मैं सीख ही रही थी या इस पे इसके लिए दुआ ही मैं ठहरी हुई थी, तो ये गीत जो था ये खुदा ने मेरे दिल में डाला। तो पहले ये मैं गीत गाऊंगी, इसी में गीत में यानी एक आजादी का, एक बहाली का और क्या क्या हमारे अंदर से निकालना है या यानी इसमें काफी चीजें हैं जो कवर हो जाती हैं। तो ये खुदा ने गीत मुझे दिया, तो पहले मैं वो गीत गाऊंगी और फिर हम थोड़ा सा इस पे सीखेंगे, बात करेंगे ताकि हम फतेहमंद जिंदगियां जो है वो गुजार सके, ये अपने अंदर से निकाले। तो मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को आता है, तो आप साथ तो नहीं गा सकते, आवाज खराब होती है, तो आप माइक म्यूट करके इस गीत को जरूर मेरे साथ गाएं, आपको बरकत मिलेगी और खुदावन का नया जोर, नया मसा जो है आपके ऊपर उंडेला जाएगा। हालेलुया। शोले 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 रू की आग के शोले, शोले 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 रू की आग के शोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रू की आग के शोले, रू की आग के शोले, शोले 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 रू की आग के शोले, रू की आग के शोले, शोले 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 रू की आग के शोले, कर भस्म तु गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी, कर भस्म तु गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी, भर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजरिया तू ही तू, भर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजरिया तू ही तू, तू साथ है जिसके ऐ यीशु, तू साथ है जिसके ऐ यीशु, खोले खो डोले 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 कभी ना फिर वो डोले,
डोले 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 कभी न फिर वो डोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रू की आग के शोले, रू की आग के शोले, शोले शोले शोले, रू की आग के शोले, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रजा, हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रजा, तू बख्शे उसी को जिंदगी, तू बख्शे उसी को जिंदगी, खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का दर जो खोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रू की आग के शोले, रू की आग के शोले, शोले शोले शोले, रू की आग के शोले, सब लानते हमसे दूर की बीमारियां सबका फूर की, सब लानते हमसे दूर की बीमारियां सबका फूर की, ढा डाली जो दीवार थी जो बाप और हम में दरार थी, ढा डाली जो दीवार थी जो बाप और हम में दरार थी, जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से, धोले 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 लहू से दामन धोले, धोले 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 लहू से दामन धोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रू की आग के शोले, रू की आग के शोले, शोले शोले शोले, रू की आग के शोले, रू की आग के शोले, रू की आग के शोले। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब ये मैं कह लें इसको तैयार कर रही थी या इसके बारे में दुआ कर रही थी, तो खुदा ने मुझे
दिखाया कि वाकई ही आग आई है, पागलों की आग ने वो सारा कुछ, वो सारी नाराजगी, वो सारी लानते, वो सारी बीमारियां, वो सारे वो हमारे गंदे बिहेवियर जो हैं वो आग से भस्म हो गए हैं। और खुदा ने ये गीत मुझे दिया और मुझे इससे कहले बड़ा जोर मिला, बड़ी तकबीयत मिली जब मैंने ये गीत अपनी प्रेयर में गाया। और मेरा ईमान है कि हमारे ग्रुप के भी इस स्टडी के वसीला से, इस गीत के वसीला से जो खुदावन चाहता है वो बंधन खुल रहे हैं, वो जुए टूट रहे हैं। और खुदावन ने मुझे दो, मैंने इन दिनों विजन देखे जब मैं प्रेयर कर रही थी, मैंने पहले जो पहले दिन जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मैंने देखा कि ऐसे जैसे कुछ लोग बैठे हुए थे इस तरह कह लें कि मैंने विजन में देखा, और खुदावंद उनके सामने आके खड़े हुए हैं और उनको खड़ा कर दिया। और मैंने देखा कि लेडीज का देखा, मैंने देखा कि ऐसे जैसे उनका कद बड़ा होता जा रहा है। अब वो उनकी शक्लें या वो तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन एक स्पिरिचुअली तौर पे मैंने उनकी बॉडी को देखा कि वो बड़ी होती जा रही है। वो ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि वो स्पिरिचुअली तौर पर बढ़ रहे हैं, यानी उनके कद भी बढ़ रहे हैं और जिस्मानी तौर पे भी वो बढ़ रहे हैं, इस तरह मैंने देखा। और फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि जिस तरह एक जैसे ये हुडी जैसी जो होती है, पर जैसा जिसके टोपी भी साथ होती है ना, ये हम पहनते हैं, बच्चे ज्यादा पहनते हैं, तो मैंने देखा कि जैसे पीछे आग है और वो जो एक कपर जैसा जो है वो काफी लोग वो जस वैसे ही जैसे पहले मैंने विजन देखा एक दिन पहले, तो दूसरे दिन भी मैंने देखा कि वैसे जैसे लाइन में खड़े हैं और वो अपर जैसे उन्होंने पहन ली है, यानी वो कपड़ा जो कपड़े जो है वो खुदा ने उनको पहनाए हैं। तो इसलिए मेरा ईमान है कि बहुत सारे जो जब इसको सीखेंगे या सुनेंगे तो उनकी जिंदगियां आजाद होंगी, और जैसे कह लें जो कुव्वत का लबास है, जो नया जोर है, जो नई ताकत है वो आपको मिलेगी। जो गिरे हुए हैं जैसे कह सकते हैं, जो सुस्त पड़े हुए हैं, खुदावंद जो है उनको नया जोर देगा, नई ताकत देगा और फिर से उठा खड़े करेगा। तो ये असल में मैं चाह रही थी कि जो जिन्होंने बनाई है, वैसे तो मैं चाह रही हूँ कि सभी बनाए लेकिन किसी भी वजह से अगर आप नहीं भी वो पर्सनल अपना जो कुर्बान का है, जो प्रेयर रूम कह लें या प्रेयर की जगह, वो नहीं बना सके, तो मैंने ये चाहा कि जब हम उस वो हमारा एक पाक तरीन मकाम होगा जहाँ पे कह लें कि खुदा का तख्त लगा होगा, लगा हुआ है, या जहाँ पे अहद का संदूक रखा जाता था, तो ये आपकी वो जगह बन जाएगी, वो पाक तरीन मकाम जहाँ पे हर वक्त खुदा की हजूरी जो है वो ठहरी रहेगी। वो कह लें कि मैंने अपने तजर्बे से ये सीखा है कि उस जगह से खुदा की कई दफा होता है हम बेड पे तो कुछ क्या मैं कहूँ, कुछ ना कुछ ऐसे गलत सोच लेते हैं या कुछ ऐसे काम जहाँ पे हम बैठ के प्रेयर करते हैं, है ना, यानी जैसे फैमिली प्रेयर है या तो हो जाता है, लेकिन ये वो मकाम है या जो आप बनाएंगे या मैं अपना कहूँ मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे सिर्फ हम जब जाते हैं तो सिर्फ प्रेयर ही करने के लिए बैठते हैं, कभी हमारे मुझसे कोई ऐसी गंदी बात या चुगलियां या कुछ भी ऐसे वो, क्योंकि बेड पे तो हम हर तरह का जैसे कह लें क्योंकि हर वक्त वहां पे गुजारते हैं ना, तो हमारी जो हमारे पर एक जैसा मसा नहीं रहता, लेकिन जब हम इस जगह पे जाएंगे, प्रेयर रूम में जाएंगे या ये जगह जो है तो उधर जाएंगे तब जब हमें सिर्फ प्रेयर करनी, और जिस जहाँ पे सिर्फ जब आपने अकेले शख्सी जो दुआ है वो करने जाना है। तो इसलिए आप इसको तजर्बे से जैसे कह लें सीखेंगे या महसूस करेंगे कि उस जगह पे खुदावंद की हुजूरी हर वक्त ठहरी रहेगी, जैसा हैकल पे ठहरी रहती थी या पाक तरीन मकाम में ठहरी रहती थी, है ना।
तो वहां पे जाने से पहले मैं चाह रही थी, या वो वैसी वाली प्रेयर करने से, कि जो हमारे अंदर, हम खुद भी खुदा की हैकल है, लेकिन फिर भी जैसे खुदा यीशु मसीह भी खुद कहले खुदा था, लेकिन वो बाप से जाके बातचीत किया करता था। रात, लिखा है कि वो रात रात दुआ करता रहता था या बातें किया करता था खुदा से। तो हम भी बेशक खुदा की हैकल हैं, लेकिन एक जगह हो जहां हम बैठ के जाके अपने बाप से, अपने शौहर से बातें किया करें या उसकी सुना करें कि वो हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो उस जगह पे जाने से पहले ही हम अपने आप को भी पाक साफ करें। तो ये अगर हमारे जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, तो हम उससे पहले पाक साफ हो जाए। तो हो सकता है ये 2 दिन में हो जाए, हो सकता है ये वीक जो है ये लग जाए, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। बहुत से लोगों को ये इस बात का पता होगा, और लेकिन चलें, जो नए आए हैं जिनको नहीं पता है ना, तो हम उनसे ये शेयर करें ताकि वो भी उस तरह से फतेहमंद जिंदगियां जो हैं वो गुजार सके, है ना। तो ये इसका जो हवाला है वो हमें मिलता है दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 2 आयत हम पढ़ेंगे, जो हम जैसे कह लें खुदा उनके कलाम में हमें मिलता है कि हमें हमारे अंदर ये जो शर्म की बातें हैं। हमारे साथ रीडिंग में कौन है? सोनिया, सॉरी मैंने देखा नहीं। रीडिंग में कौन है? मेरी आवाज आ रही है? मैं अभी कल्ली तो नहीं बोल दी जा रही। हाँ जी, आंधी आवाज आवाज आ रही है। तो अगर कोई नहीं है तो श्री आप रीडिंग कर सकती हैं। और हाँ जी जी, मेरा ख्याल है माया, माया आप अगर हिंदी में कर लें साथ, है ना। तो हम पढ़ेंगे पहला जो है दूसरा करंथियों 4 बाब उसकी 2 आयत हम पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें ये बातें जो है जी, दूसरा करंथियों 4 बाब उसकी 2 आयत से पढ़ना सुरैया और माया। पढ़ो। हाँ जी पढ़ो, पहले बताना कि मेरी आवाज सही आ रही है। जी आ रही है, बिल्कुल सही है। ओके ठीक है, मैंने बोला सही आ रही है। ओके, दूसरा करंथियों 4 बाब 2 आयत। हाँ सही आ रही है, दूसरा करंथियों 4 बाब 2 आयत। बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। आमीन आमीन। आगे भी पढ़ लिया। हाँ, तीसरी भी आज पढ़ लिया। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बे ईमानों के वास्ते जिनकी अकलों के इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम है। ने यानी कोशिश की कि या खुदावन ने उसको यूज किया कि पूरी पूरी जो सच्चाई है वो पहुंचाए लोगों तक, शागिर्दों तक, कलीसिया तक, चर्च तक। लेकिन कुछ लोगों के अगर पर्दा पड़ा हुआ है तो खुदावन की तरफ से। लेकिन जैसे ये हम जो आज बातें सीखने लगे हैं, ये चर्चिस में खुल के इनके ऊपर बात नहीं होती, लेकिन हमारा क्योंकि कह लें एक छोटी सी एक फैमिली की तरह एक छोटा सा ग्रुप है और हम बहन भाई हैं, या तो खुदावंद ने ऐसी ऐसी बातें जैसे कह लें शुरू से ही जो पुराने हैं उनको पता है कि ऐसी ऐसी बातें खुदावंद हमारे ऊपर खोलता है या हमारे साथ शेयर करता है जो चर्चिस में बातें उसके ऊपर नहीं होती, है ना। लेकिन खुदावंद हमारे ऊपर खोल रहा है। तो
इसलिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम खुदावन के वो प्यारे वो बरगजीता लोग हैं, वो मुकद्दस लोग हैं जिनके साथ वो खुदावन अपने दिल की बातें जो है वो कर रहा है, और पीछे भी की हैं कि जो हमारे अंदर ऐसी शर्म की बातें पोशीदा हैं जो मकारी से कहले शैतान हमारे अंदर लेके आया हुआ है, कलीसियों में कह लें, चर्चेस में, घरों में, हमारी जिंदगी में, लेकिन खुदावन जो है देखें कि चाहता है कि हम उनको निकाल लें, वो शर्म की बातें हैं, वो मकारी से शैतान हमारे अंदर ले आया है, और चर्चेस में ऐसी ऐसी बातें हैं जो वो कह लें कि वो सिखा रहे हैं, वो खुद करके जो कह लें हमारे कह लें लीडर हैं ऐसे या पास्टर हैं, तो ये खुद ऐसी ऐसी बातें हैं जैसे कि वो खुद करते हैं कलीसियाओं में, तो वो ना कलीसिया को बताते हैं बल्कि वो खुद भी कर रहे हैं, तो ऐसी शर्म की बातें हमारे चर्चेस में हमारी जिंदगियों में हो रही हैं, तो हम जो है उन्हीं के बारे में सीखेंगे और उनको अपनी जिंदगी में से निकालने की कोशिश करेंगे खुदावंत के जोर से और खुदावंत के मसा के जोर से। हम एक और हवाला पढ़ते हैं इफिसियों 5 उसकी 11 जी माया आपने पढ़ना, दूसरा ग्रंथियों 4 उसकी 2 पढ़ना। सॉरी दी मैं बाहर हूँ। ओके ठीक, सुन रही हूँ। ओके ठीक है जी, श्रेया आप निकालना एफसीओ 5 उसकी 11 है, उससे भी हमें ये पता चलता है कि ये जो शर्म के काम है उसकी श्रेया जी हाँ जी हाँ जी 5 उसकी 11 है। हाँ जी एफसीओ 5:11 आए और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है, और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो ओके हाँ जी, तो ये खुदावंद जो तारीकी के काम है या तारीकी के ये जो बेफल काम है ये खुदावंद हमारे ऊपर यहाँ कर रहा है, रोशन कर रहा है, उसके ये मर्जी है कि ये हमारी जिंदगियों में ये वाले जो बेफल काम है ये ना हो। वो नहीं चाहता कि खुदावंद के लोग जो हैं इन बातों में फंसे रहें। खुदावंद के लोग जो हैं वो फतेहमंद जिंदगियां चाहता है खुदावंद कि हम गुजारे, और ये शर्म की बातें जो पशीदा काम है जो कई दफा होता है हम किसी से कहते नहीं है, कुछ तो बातें हमारी सामने आ जाती हैं लेकिन कुछ ऐसे हम गंदे काम कर रहे होते हैं या पीछे किए होते हैं, तो खुदावंद चाहता है कि हम उनकी माफी मांगे, तौबा करें, अपनी जिंदगियों से निकालें, तो हम उन्हीं आज कह लें बातों को या कामों को कह लें कि अपनी जिंदगियों से निकाल लेंगे। एक और हवाला निकालना आप गलतियों 3 उसकी 13 आयत, गलतियों 3 उसकी 13 आयत। ओके चाहती हूँ कि आपको, वैसे तो मेरे हाल सबको ही पता होगा ये कौन कौन से काम हैं, लेकिन इनको हो सकता आप निकाला ना हो। गलतियों 13 गलतियों की किताब उसका 3:13 आयत, मसीह जो हमारे लिए लानती बना उसने हमें
मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। हाँ जी, तो एक तो ये जो काम हम करते हैं, दूसरा हमने महल जब लहू के बारे में सीखा था, खुदा ये सेवन ब्लड महल इस तरह कुछ प्लेसेस है ना, तो उसमें भी सीखा था कि जो लानते हमारे शरीयत के वजह से भी हमारे ऊपर लानते हुई हुई हैं, तो उनसे हम जो है उनसे निजात पाना जो है वो हमें जरूरी है। खुदा यीशु मसीह के सलीबी मौत की वजह से ये जो लानती मौत जो खुदा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली थी, ये लानती मौत हमारे ऊपर आनी थी, या वो लानते सारी हमारे ऊपर आनी थी। हमें खुदा यीशु मसीह ने आजाद कर दिया, लेकिन हम फिर भी उस शरीयत की जो कह लें ऐसी सी बातों के अंदर फंसे हुए हैं या फंसे रहते हैं और हम उनको अपनी जिंदगी से निकालते नहीं हैं, तो तब भी क्या होता है कि हम पूरी तरह आजाद बहाल जो है वो नहीं होते। तो ये कह लें हमने थोड़ा थोड़ा इसमें सीखना है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। आज इसके 18 एक कह लें लिस्ट है ऐसी ऐसी बातों की, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज सिर्फ मेरा ख्याल हम एक या दो पे ही बात कर सकेंगे, और क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है तो हम कोशिश करेंगे एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसको सीखें, और कोशिश करेंगे क्यों सीख रहे हैं हम, ताकि हम इनसे तौबा करें अगर हमने की कर रहे हैं अभी काम कर रहे हैं या पहले हमने जिंदगी में किए हैं, है ना, तो या हमारे माँ बाप ऐसा कर रहे हैं या करते थे, तो हम सबको इन से तौबा करनी है, माफी मांगनी है और इनका इनकार करना है। अपने ऊपर जो इसने मलकियत हमारे ऊपर इसने टैलेंट चीजों ने जमाई हुई है, या वो हक समझता है शैतान के ये बदन जो है उसके हैं क्योंकि हम उसके काम करते हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर हक जताता है कि ये बंदा मेरा है, तो हमने उसके इस हक को या इस इन कामों को उल्टा उसी पे डालना है कि ये जो सारे लानती काम है या सारे तारीकी के काम है, तारीकी कौन है, शैतान है, इब्लीस है, तो हमने उसके काम उसी के वापस उसके ऊपर डाल देने हैं और ऐलान करना है कि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, हम नूर के फरजंद हैं, हम तारीकी के नहीं हैं, हम नूर के फरजंद हैं, तो इसलिए इन बेफल कामों से जैसा कि पौलुस रसूल में बता रहे हैं उसमें से हमें निकलना है, है ना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या है अपनी जो सारी लानते हैं उसने अपने ऊपर ले ली है, है ना। तो जो सबसे पहला एक लिस्ट में हम क्या कहते हैं उसमें से हमें आजाद होना है या निकलना है, वो है नस्ली गुनाह जो है, मारूसी जो गुनाह है जो विरासत में हमें मिलते हैं, उनकी जैसे कह लें माफी मांगनी है, तौबा करनी है, इनकार करना है कि ये जो आदम और हवा की तरफ से एक कह लें जो उन्होंने गुनाह किया था, जो लानत हमारे ऊपर आ गई हुई है और हम उसमें से नहीं निकलते, पहले जो है सबसे पहला जो एक गुनाह हुआ था, और मेरा ख्याल आप सबको ही पता होगा कि पहला गुनाह क्या था जी, कोई बता सकता है? सुरे आपने कालना पदाइश की किताब उसका तीसरा चैप्टर उसको दो आयत से ही हम पढ़ेंगे, सारा ही पढ़ेंगे जी, किसी को पता है गुनाह क्या था? नाफरमानी का। हाँ जी, प्रेज गॉड, हालेलुया। और वहां से ही जैसे कह लें कि एक क्योंकि नाफरमानी ही एक मैं कहूंगी कि जड़ है, वहां से ही शुरू हो जाता है बाकी के सारे काम, कि हम फिर हमारे अंदर वफादारी नहीं रहती या ये काम सब कुछ फिर
उसके बाद आना शुरू हो जाता है, जब हम खुदा जो हमें हुक्म देता है जब हम उस पे अमल नहीं करते, उसका कहना नहीं मानते, तो आगे जो कुछ भी फिर होता है उसका नतीजा होता है। जी सुरैया पढ़ना पैदाइश 3 बाब उसकी 2 आयत से महल पढ़े। ये नस्ली गुनाह वहां से शुरू हुए और हमारी जिंदगियां हम इनकार करें चाहे तो, अगर अब भी खुदावंद ने हमें माफ कर दिया, जो कह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह में जब हम आते हैं, ये मैंने काफी दफा पहले भी बात की है, लेकिन अगर हम अभी भी वो काम हमारी जिंदगी में है यानी ये नाफरमानी अभी भी कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमें फिर से माफी मांगने की जरूरत है, है ना। खुदावंद ने हमें वो जो गुनाह हमने पहले किए हुए थे वो माफ कर दिया, हम नए सिरे से पैदा हो गए, लेकिन अगर हम फिर दोबारा से वही उन कामों में फंसे हुए हैं तो इसका मतलब है कि दोबारा हमें माफी मांगने की जरूरत है। तो ये नाफरमानी अगर हमारे अंदर है। जी सुरैया पढ़ना। पैदाइश 3:2 औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदावन ने कहा है कि तुम ना तो उससे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दख खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई, और उन्होंने खुदावन खुदा की आवाज ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावन खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदावन खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावन खुदा ने सांप से कहा इसलिए कि तूने ये किया तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दर्द का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर की उस पैदावार अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू उस खेत की सब्जी खाएगा और तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा
और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वह सब जिंदों की माँ है। और खुदावन खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। बस ठीक है, थैंक यू। इससे देखें कि हम जो एक ही हुक्म खुदा ने दिया था और आदम और हवा ने इसकी नाफरमानी की है ना, और वो हुक्म जो था वो तोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि हम जब भी हुक्मों को तोड़ते हैं तो असल में ये जैसे कह ले मकारी से जो जो शैतान है हमारी जिंदगियों में आ जाता है और सारे जो इसके बेफल काम हैं वो हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं। मकारी से ये हमारे घरों में, हमारे चर्चेस में ये काम कर रहे हैं। और पास्टर इस तरह की जैसे मेरा ख्याल उसमें हमने ग्रंथियों में है ना पढ़ा कि वो इस तरह के क्या कहते हैं कि तालीम जो है वो दे रहे हैं जो खुदा उनकी सच्ची तालीम नहीं है। जिस तरह ये मेरा ख्याल कुछ दिन पहले मैं एक देख रही थी कि वो पास्टर ना सिर्फ खुद उसने टैटू बनवाया हुआ है खुदा यीशु मसीह का, बल्कि वो हवाले देती है। महल आप सबको शायद पता हो जो क्या है जॉयस मेयर, उसने खुदा यीशु मसीह का अपने कह लें टांग पे और अपने बैग जो है कमर पे खुदा यीशु मसीह का टैटू जो है बनवाया हुआ है। उससे खुदा यीशु मसीह को क्या जलाल मिलता है आप खुद सोचें। और वो कहती है कि ये बाइबल में से हमें मिलता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पे खोद रखी है। तो खोदने का देखें वो आयतों को किस तरह शैतान जो है वो तोड़ता मरोड़ता है। या हम देखें कि बहुत सारे चर्चेस में क्या है जो एक बुनियाद है या एक वो है जो खुदा यीशु मसीह के खुद के अल्फाज है, उन्होंने पानी के बपतिस्मे को पाखरू के बपतिस्मे को निकाल दिया हुआ है और ना वो खुद कामलियत की तरफ जाते हैं ना उस कलीसिया को लेके जाते हैं, है ना। और ऐसी ऐसी गलत तालीमें जो हैं वो चर्चेस में आ गई हैं इसकी मक्कारी की वजह से। और ये सब कुछ जो ये फल अभी जो बेफल जिनका जिक्र हम अभी थोड़ा सीखेंगे, ये ना सिर्फ वो खुदा के खादम या कह लें वो पास्टर खुद करते हैं बल्कि कलीसिया में भी जाहिर है जो लीडर कर रहा है तो वो सारे लोग ही करेंगे, उनको पता ही नहीं है ना कोई बताता है। और हमारे बहुत सारे मसीही हैं जो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, वो चर्च भी जाते हैं लेकिन उन्होंने खुद कभी बाइबल नहीं पढ़े, इसलिए उनको कलाम की जो सच्चाइयां हैं उनका पता ही नहीं है। ये मैं कहूंगी कि कितने फीसद है ये लेकिन ये बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि बाइबल खुद नहीं पढ़ते, हफ्ते बाद गए हो सकता है या कुछ तो सालों बाद जाते हैं और मैसेज सुन के आ गए, वो एक दो लफ्ज जो उनको समझ लगा ठीक है, बाकी उनको कुछ पता नहीं बाइबल का और वो मसीही कहलाते हैं। इसीलिए उनकी जिंदगियों में ये बेफल काम या कह लें कि जो शैतानी काम है या ये उनकी जिंदगी में चलता रहता है। और कभी उनको पुलपट से ये जो कलाम है जो सच्चा कलाम है वो नहीं मिलता, क्योंकि ये मक्कारी से शैतान जो है जिस तरह उसने हवा को बहका दिया था, कितनी देखें बातों में फंसा के उसको कह लें कि उसको गुमराह किया था। तो आज भी हमारे जो चर्चेस में ही ये काम हो रहे हैं जिस तरह, तो वो बहका के उन लोगों को अपने काम जो है वो करवा रहा है और जिसका कोई जो कह लें अजर जो है वो खुदावंद के पास नहीं है, क्योंकि तारीकी के काम है तो अजर भी उसी से मिलेगा यानी शैतान से मिलेगा और जहां उसने जाना है वो उन लोगों के भी वहीं लेके जाएगा, है ना। कि अगर वो इनको निकालेंगे नहीं, तौबा नहीं करेंगे तो ये जो लानती जैसे कह लें या नस्ली यानी हमारे बाप दादा ने किया हम भी वो ही पीछे पीछे करते जा रहे हैं। तो अगर हम इससे माफी नहीं मांगे, उनके तौबा नहीं करेंगे तो ये बेफल काम हमें क्या करेंगे खुदावंद में कामिल नहीं बनने देंगे। जैसे कि दुल्हन के बारे में कहा है कि जी वो है
वो कामिल है या वो परफेक्ट है ना। एक और हवाला रोमियो 13 बाब उसकी 4 आयत निकालना सुरैया। क्योंकि वो तो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादिम है, लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गजब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गजब के डर से जरूर है बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। तुम इसलिए बस ठीक है। हाँ, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम बदी कर रहे हैं तो जो उसकी तलवार है, जो खुदा यीशु मसीह ने हमने मुकाशफा की किताब में सीखा के वो मुंह की तलवार से मारेगा, है ना, आके तो उसकी तलवार जो है वो बेफायदा नहीं है, वो गजब के दिन सब जो बदकार हैं उनको सजा देगा, और जो ताबियादारी में नहीं चल रहे वो गजब उन पे नाजल जो है वो होगा। अगर वो ताबियादारी में नहीं चल रहे, अगर वो नाफरमान हैं, हुक्मों को तोड़ते हैं खुदावंद के, तो इसका मतलब है कि वो खुदावंद के गजब में दाखिल होंगे, है ना। वो खुदावंद पे उनकी जो तलवार है वो चलेगी। अगर वो बदकारी में जिंदगियां हैं, अगर खुदावंद के हुक्मों पे वो अमल नहीं कर रहे, ये खुदावंद के बंदा के से हमें पता चल रहा है। तो इसलिए ये बातें जानना और फिर उनको अपनी जिंदगी से निकालना जरूरी है। अगर हम नहीं निकालते तो इसका मतलब है कि हम फिर उसके बेफल कामों में शरीक हैं, जो कि खुद कह लें उसकी हजूरी में से निकला लूसीफर शैतान, और वो चाहता है कि कट्ठा गुट्ठा करके मैं बाकी भी सर ये जो इंसान खुदा ने बनाया है इसको भी मैं अपने साथ ही ले जाऊं। इसलिए उसने हवा को बहकाया, आदम को बहकाया, और आज वो मुझे और आपको भी बहका रहा है। कोई गल नहीं, तू करदा कुर्दा रहेंगे काम, है ना, खुदा तुझे माफ कर देगा, खुदा तुझे बचा लेगा, खुदा उन तो बड़ा मोहब्बत से भरा हुआ है। तो वो ये गलत एक किस्म का कह लें तालीम जो है खुदा के लोग दे रहे हैं कि खुदावंद जो है वो बड़ा रहम करने वाला है, खुदावंद जो है बड़ा प्यार से भरा हुआ खुदावंद है, शफ़क़त से भरा हुआ खुदावंद है, है ना। तो अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो हमें इसी तरह ले जाएगा, वो माफ कर देगा, है ना। ऐसा नहीं है खुदावंद। अगर हम बदकारी में जिंदगियां गुजार रहे हैं, उसकी नाफरमानी में जिंदगियां गुजार रहे हैं, ये हमारे जो बाप दादा करते आ रहे हैं हम भी करते आ रहे हैं, है ना। तो अगर नाफरमान है तो हम उसके गजब की तैयारी कर रहे हैं, ना कि उसकी जो जिसकी तरफ हम सोचते हैं कि हम जा रहे हैं कि न्यू यरूशलम, लेकिन हम फिर उस तरफ नहीं जा रहे। जिस तरह के हमने सीखा कि इसराइलियों को सारे ही जो इसराइली थी सबको ही खुदा निकाल के ले आया था, उनको निजात मिल गई थी, लेकिन रास्ते में हमने देखा 40 सालों में कितने जो थे जो नाफरमान थे वो रास्ते में ही मर गए, क्योंकि उस वक्त क्या था, सजा जो थी फौरन ही जैसे कह लें मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है, फजल का दौर है, तो खुदावंद हमें मौका देता है कि हम क्या करें, तौबा करें, माफी मांगे, ताकि उस गजब से हम बच जाए, है ना। तो इसलिए हम फजल के दौर में है, तो खुदावंद मुझे और आपको ये क्या लें तौबा का जो है वक्त जो है वो दे रहा है। तो इस तरह ये मरूसी जो गुनाह है, जो नस्ली गुनाह है, यानी कह लें नाफरमानी, हम हर हुक्म को जैसे कह लें खुदावंद की तरफ से जो हमें मिलता है तो अगर हम तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस तरफ जाने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं, है ना। तो इससे हमें कह लें कि माफी मांगनी है कि अगर हम नाफरमानी में जिंदगी गुजारे हैं तो खुदावंद जो है हमें माफ करे, हम तौबा करें, ताकि क्या है, हम
उस कामिल आदमी की तरह अपने आप को तैयार करें, है ना। तो ये पहला जो है नस्ली कह लें गुनाह है, दूसरा जो है जिंसी जो गुनाह हम करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं कि जिंसी गुनाह जो है यानी जिस्मानी तौर पे जो हम सारे गुनाह करते हैं वो कौन कौन से हैं, और कह लें कि इससे हमें बचना है। अगर किए हैं तो माफी मांगनी है, अगर कर रहे हैं या हमारे बाप दादा ने किए हैं, है ना, तो हमें माफी मांगनी है। सबसे जो इस लिस्ट में कह लें पहले नंबर पे आता है जो खूनी रिश्तेदारों का जिंसी जो तल्लक होता है, आप बचपन से अब तक भी कह लें या हमने किया या हमारी फैमिली में किसी का है या था, तो उसका इनकार करना है, उससे तौबा करनी है, माफी मांगनी है कि आपको किसी भी तरह से आपके किसी बाप ने, भाई ने, कोई मामू है, कोई चाचा है, नाना, दादा, कितने रिश्ते हैं ऐसे जो के बड़े ही करीबी होते हैं, यानी आप बाप से या भाई से ज्यादा या माँ से करीबी रिश्ता कौन सा है, उसके अलावा भी किसी ने आपको इस तरह टच किया है, किसी ने आपके साथ कोई गलत रिश्ता बनाया है या इस नजर से देखा ही है, क्योंकि अब नए एग्जाम में तो हम ये सीखते हैं कि किसी ने अगर इस तरह से देखा भी है, आपके भाई ने, आपके बाप ने, आपके कोई चाचा है, कोई मामू है, कोई भी है, उसने आपको इस तरह से देखा है गंदी नजर से, या आपने जिस्मानी उसने रिश्ता बनाया है, आपको इस तरह से टच किया है, जो आपके जैसे कह लें जो हम उर्दू में कहते हैं शर्मगाह, तो आपको टच किया है, तो आप जो है ये शर्म की बातें जो हम सीख रहे हैं उसकी जो एक पोशीदा बातें हैं जो हम किसी से कह नहीं सकते, ये उस तरह के गुनाह हैं जो हमने किए होते हैं, आप उसकी आपकी उसमें मर्जी शामिल थी या नहीं थी, क्योंकि फैमिलियों में ऐसे ही होता है कि जो बड़े होते हैं, कोई दादा है, नाना है, ये हमने अखबार की किताब में पढ़ा था, ये पूरा चैप्टर है इसके बारे में, और हमने सीखा था कि अगर आपके बदन को कोई बेपर्दा करता है, किसी के सामने आप नंगे हुए हैं, तो ये क्या है, खुदावन ने कहा कि ये मकरूह काम है, ये नफरत है खुदावन को इन कामों से, इन बातों से। तो अगर आपको किसी ने बचपन से लेके अब तक या आपकी फैमिली में से किसी ने किसी के साथ ऐसे हुआ कि उसके किसी भी ऐसे रिश्तेदार ने आपको इस तरह इस्तेमाल किया और आपके साथ ऐसा रिश्ता बनाया, आपको टच किया, तो आपको उससे माफी मांगनी है, तौबा करनी है और इसको तर्क करना है, उसके लिंक को अपने रूह बदन जान से ब्रेक करना है, किसी भी तरह से आपको आप किसी के सामने नंगे हुए, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें ये बताता है कि कोई भी रिश्ता है, मतलब माँ है, बाप है, जब हम सीख रहे थे तो शायद आपको पता हो सुमीना ने ये टेस्टिमनी दी थी कि वो अपने बच्चों के सामने यानी लड़कों के सामने कपड़े बदल लिया करती थी, तो खुदावन ने खुद उसको, यानी मैंने उस वक्त ये कलाम यानी हमने नहीं था किया, खुदा ने खुद उसके साथ कलाम किया कि ये मकरूह काम है, ये खुदावन को इस कामों से नफरत है, ये उसको नहीं करने चाहिए, है ना। सॉरी मैं एक मिनट, श्रेया अपना क्या कहते हैं ये, चले मेरा टाइम ही थोड़ा रह गया हमारा,
मेरा चार्जिंग अब असल में ख़त्म हो रही थी, तो मैं बस इसको ये इसी आज हम इसको करके तो ख़त्म करेंगे, बाकी का जो है हम फिर कल बात इस पर करेंगे, है ना। तो अगर आपको किसी ने इस तरह से देखा है, आपको जैसे कह लें कि खुदावन के कलाम में ये लिखा हुआ है, ये कोई अपने को जोड़ी गल नहीं है, तो खुदावन ने कहा कि ये रिश्ते जो से ये सारे लिखा हुआ है कि नाना दादा या कोई भी ऐसा भाई या कोई भी आपका रिश्तेदार है, उसके सामने आपने नंगे नहीं होना, बेपर्दा अपने बदन को नहीं करना। अगर आप ये कर रहे हैं या किया हुआ है, या आपके रिश्तेदारों में किसी ने इस तरह का जिंसी जो रिश्ता था आपके साथ बनाया हुआ था, तो आज खुदावन की आवाज जो है वो आपको ये बता रही है कि आपने तौबा करनी है, माफी मांगनी है, और चाहे उसकी उसमें आपकी मर्जी शामिल थी या नहीं थी, हो सकता है आपके साथ, क्योंकि बड़ी ही गवाहियां मैंने सुनी हैं, शायद आपने भी सुनी हो, कि जबरदस्ती जो है जो बाप है, या जब हम मैं उससे पहले मुझे इतना नहीं था पता, लेकिन जब मैं कोइत गई तब अभी मेरी बड़ी वाली बेटी थी रेचल, तो वहां पे मैंने बाजी जो है सुरैया की जो बड़ी बहन है जावेद की, यानी बड़ी बहन वो नर्सिंग में है, तो उन्होंने मुझे बड़ा ये बताया कि ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते हैं कि उनके बाप ने जबरदस्ती ये रिश्ता अपनी बेटियों के साथ बनाया हुआ था, और वो उनको यूज करते थे, है ना, सेक्स करते थे, और फिर उनके जो बच्चे पैदा होते थे वो बच्चे यानी वो उनको जाया करवाने के लिए, डीएनसी करवाने के लिए वो लेके आते थे। तो बड़ी ही उन्होंने इस तरह की जो कह लें बातें बताई। फिर हम जब दुबई में आए, वहां पे भी मुझे बड़े काफी लोगों से ये वहां पे जो रहते थे उनसे पता चला, और उससे पहले मैं कहूंगी कि मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन फिर मुझे ये पता चला, वो फैमिलियां इसी तरह रह रही हैं, वो मियां बीवी की तरह अपने घरों में रहते हैं, जो बाप है अपनी बेटियों के साथ, और वो इस तरह का उन्होंने रिश्ता बनाया हुआ है। भाई जो है वो अपनी बहनों के साथ इस तरह का जो रिश्ता है वो बना के वो घर में रहते हैं, और जैसे कह ले वो समझते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा या ये हो रहा है, लेकिन खुदावन जो है वो सब कुछ देख रहा हो, क्योंकि हम भी इसी माहौल में रहते हैं जो कह ले मसीही। ये मैंने गैर कौमों के सुना, लेकिन जिस तरह पालुस रसूल भी एक जगह मेरे हल वो मैंने वर्ष नहीं मुझे तो वहां पे पालुस रसूल ने भी कहा कि ये गैर कौमों में तो होता है, लेकिन ये हमारे मसीहियों में, ये हमारे अंदर या चर्च में भी हो रहा है, इस तरह के रिश्ते जो हैं वो बने हुए हैं, या इस तरह का कई दफा होता है कि वो सेक्स नहीं हुआ भाई ने या वो बाप ने, लेकिन वो इस तरह के काम कर रहा है, वो उसको जैसे कह लें कि उसके सामने जो बेटी है या बाप जो है वो नंगा हो रहा है या ये सब कुछ कर रहा है, तो ये उसी में आता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आके जो कानून था ये वाला वो और सख्त कर दिया था, कहते तूने किसी किसी को बुरी नजर से देखा ही तो तूने वो गुनाह कर लिया, है ना। तो इसलिए अगर ये आपके घर में हो रहा है या हुआ हुआ है पहले, तो आप उसकी माफी मांगे, तौबा करें, क्योंकि जब तक ये आप इसमें से नहीं निकलेंगे, आप फतेहमंद जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। आप वो पाक जो मर्द खुदा है, जो हमने उसमें पढ़ा महसी उस यहूदा के खत में शायद, है ना, वो मर्द खुदा कामिल बने वो नहीं बन सकते, वो पाकीजगी में आप नहीं चल सकते। दोनों ही, जो जिसके साथ ये ज्यादती हो रही है वो, और जो कर रहे हैं, दोनों ही, और घर में बहाली आजादी जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि ये शैतान के काम जो है ये घर में हो रहे हैं। आपकी जिंदगी कभी भी उस तरह से आपके बंधन जो है वो नहीं खुलेंगे, आप बंधनों में बंधे रहेंगे। आप क्यों, आपके क्योंकि आपने खुद लीगल जो राइट है वो दिया हुआ है अपने बदन को, जो है उसकी मलकियत
बनाया हुआ है शैतान की, कि आपके बदन को वो इस्तेमाल कर रहा है, वो जो करना, क्योंकि क्या उसमें हमने पढ़ा कि उसके ये बेफल काम है, ये खुदावन के, ये नूर के काम नहीं है, ये नूर के फर्जंद के नहीं है, खुदावन यीशु मसीह के ये काम नहीं है, ये किसके हैं, जो तारीकी में चलता है, जो छुप के या कह लें काम करता है, जो पशीदा काम है, जो शर्म के काम है, वो उसको आपने खुद ही अपने बदनों को दिया हुआ है कि वो अपने बदन को इस्तेमाल करे। तो कोई भी आपको इस तरह से किसी ने टच किया, किसी ने आपको देखा है इस नजर से, या किसी के सामने आप नंगे हो रहे हैं, तो आप इस बात की माफी मांगे, तौबा करें। खुदावन जो है आज ये चाहता है कि उसके बेटे बेटियां क्या हैं, पाकीजगी में जिंदगी गुजारें, फतह मंद जिंदगियां गुजारें, है ना, आजाद हों, बहाल हों। और जो पीछे आपने पास्ट में किया हुआ है, तो खुदावन तो आपको उन बंधनों से आजाद करना चाहता है। क्योंकि ये क्या हमने सीखा कि जब ये जो सेक्स का या क्या वह हवाला है, शायद प्रिया आपको याद हो, कि हम एक बदन होते हैं, चाहे नजरों में ही हुए हैं, वो क्या हो गए हैं, खुदावंद के बदन को नापाक किया है हमने, ये बदन जो है, ये हैकल है, तो इसको हमने नापाक किया है। तो हमारी उस बंदे के साथ वो जो भी है, वो आपका भाई है, चाचा है, ताया है, दादा है, नाना है, कोई भी है, उस रूह के साथ आपका रूह जो है, डोरियां जो है, जो सोल टाई हमने सीखा था, वो बंद जाती हैं। आपकी रूह उसके रूह के साथ जुड़ गई हुई है गलत रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता वो है वाहिद जो सिर्फ मियां बीवी के साथ है, है ना, और कोई भी है, आगे चल के हम और थोड़ा इसके बारे में सीखेंगे, तो वो कोई भी है, डोरी आपकी उसके साथ बंध गई है। तो ये क्या है, गलत डोरी है, जिस तरह के लूत की अपनी बेटियों के साथ, और खुदा ने क्या कहा था कि 10 पुश्तों तक वो हैकल में नहीं दाखिल हो सकते थे, जो लूती की नस्ल से थे, जो मुआबी थे और अमूनी थे, आप सबको हमने इसके बारे में बात की हुई है। वो इतना खुदा उनको इस काम से नफरत है कि वो उस पाक तरीन मकाम में या पाक हैकल में वो दाखिल ही नहीं हो सकते थे, अगर गलत रिश्ते इस तरह के बंधे हुए हैं, बने हुए हैं, तो वो पाक जो मकाम है, जो हैकल थी, उसमें दाखिल नहीं हो सकते थे। फिर ये अभी सलूम ने अपनी माओ जो थी, जो हरमे थी दाऊद की, अपनी माँ के साथ यानी उसने किया। फिर रोबन जो था उसने अपनी माँ के साथ किया, है ना, और खुदा ने, आप जब बरकतों के बारे में हम सीख रहे थे, तो आपने देखा था कि याकूब ने रोबन को बरकत नहीं दी थी, है ना। और फिर जो दाऊद का बेटा था, उसका नाम मुझे भूल गया, अगर किसी को याद हो, कि उसने अपनी बहन के साथ किया था, दीना थी शायद मुझे, बहरहाल उसने अपनी बहन के साथ किया था, है ना। तो ये सारे क्या थे, गलत रिश्ते थे, जिस से खुदावन को नफरत है। तो अगर आपने ये सब किया हुआ है, या आप उसका निशाना बने हैं, बचपन में कई दफा होते हैं, मेरी बेटी जो थी, छोटी थी रिचल, मुझे याद है, सुरैया को पता है, कि वो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही स्कूल था, तो उसको 3.5 साल की थी अभी, जैसे कह ले शुरू ही कुछ दिन होते हैं ना, उसको मैंने भेजना शुरू किया, तो वहां पे किसी थोड़ा बड़ा जो लड़का था, उसने उसको कहा कि चला मेरे साथ ना बाथरूम में, तो ये नहीं गई उसके साथ ना, तो इसने खुदावन की तरह से कह लें कि इसने मुझे घर में आके ना बताया कि मामा वो एक लड़का था, वो मुझे कह रहा था चला मैं तुझे बाथरूम में लेके, मेरे साथ चल, तो नहीं जाना चाहिए ना। मैंने कहा नहीं जाना चाहिए। तो खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने एक किस्म का कह लें बचाया, या किसी भी तरीके से, है ना, ये हुआ कि उसने आके तो मुझे बता दिया, है ना। तो मैंने उसके बाद उसको उस स्कूल में नहीं भेजा। लेकिन हमें ये जैसे कह लें कि बचपन में
मतलब 3.5 साल का बच्चा कितना होता है ना, लेकिन उसको थोड़ी कह लें समझ थी या पता नहीं, खुदावन की तरफ से ही बचा लिया। तो इस एज में भी किसी ने अगर ऐसे, या आजकल तो आपने बहुत सुना होगा कि छोटी छोटी, इससे भी छोटी बच्चियां जो हैं जिनको इस तरह का निशाना जो है बनाया जाता है, और कौन खूनी रिश्तेदार बनाते हैं, कोई उसका चाचा, कोई मामा, कोई ताया, कोई भी, तो खूनी रिश्तेदार जो है वो घर में ही रह के अब वो बच्चियों को इस तरह का अपनी कह लें जिनसी ज्यादती का निशाना जो है वो बनाते हैं, और वो उनकी जो रूह है वो हमारे बच्चों के साथ जुड़ जाती है। इसलिए इन रूहों की डोरियों को तोड़ना जो है वो हम जैसे कह लें कि हमें बहुत जरूरी है। आपके साथ हुआ है या आपके बच्चों के साथ हुआ है या हो रहा है, तो खुदावंद चाहता है कि आप इसकी माफी मांगे, तौबा करें और उन डोरियों को तोड़ें, ताकि हमारे घरों में बहाली आए, आजादी आए, खुशहाली आए और पाकीजगी आए। तब तक का पाक और शैतान किससे डरता है, वैसे तो यीशु नाम से डरता है, लेकिन पाकीजगी से वो डरता है। वहां पे वो ठहर नहीं सकता, वहां पे जहां फरमाबरदारी होगी, ताबियादारी होगी, फरमाबरदारी होगी और पाकीजगी होगी, उस जगह पे खुदावंद का मसा ठहरा होता है, वो वहां से भागता है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा है तो आज माफी मांगे, तौबा करें, ताकि खुदावंद जो है हमारी जिंदगियों में वो जो कामिल बनाने के लिए, वो नेक काम है जो जो हमें कामिल बना रहे हैं या बनाएंगे, तो वो हमारी जिंदगी में शुरू हो। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी ये फजल दे कि कहीं पे भी हम ये काम हमने किया हुआ है, या हमारी फैमिली में किसी के साथ हुआ है, पीछे हुआ है या अब हो रहा है, तो माफी मांगे, तौबा करें, ताकि बहाली, आजादी, खुशहाली हमारी जिंदगी में आए। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू सोनिया। जी सोनिया है हमारे साथ, बाकी का हम करेंगे, और ताकि हम पाक होके उस जब अपने कुर्बान का जो है वहां पे बैठेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदावंद की आग हमारे ऊपर आएगी। जी सोनिया, प्रेज गॉड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर समरीन जी करूंगे लास्ट प्रे। नहीं, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे को थोड़ी ही डिस्टर्बेंस हुई है, मैं प्रे कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया लॉर्ड। Thank you, Jesus. 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 Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise the 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 Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਾ ਜੀਸਸ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਲਾ ਜੀਸਸ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਲਾ ਜੀਸਸ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲਾ ਜੀਸਸ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਲਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, 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 ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, Hallelujah, 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 praise the Lord, thank you, Jesus. Khudavande tari 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 tari,
Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, God, Khudaban. Tera dhanwad, Lord Jesus. Adde din vaste, samay vaste, Lord Jesus. Tera dhanwad, Lord Jesus. Har vikto, samay vaste, Khudaban, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Tera dhanwad, Khudaban, Lord. Sam samaditta, kisi tari hazuri chaaki, Khudaban. Te bachnam sumzakya, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord, Khudaban. Teri tarif hove, Khudaban, Lord. Teri tarif, 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 Lord Jesus. Hallelujah. ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਲਾ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਲਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲਈ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾ ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਹੋਏ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਓ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੜਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾਰਡ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Khudaban, this group de har ik member nu khudaban te lahu chish parni ala Jesus khudaban. Tu sada mahaan zinda khuda ala Jesus. Hallelujah. Khudaban sade ch jo vi buraiyan ala Jesus khudaban. Sade ch jo vi khudaban kamiyan ala Jesus khudaban sariyan te Yeshu se naach jaane lagan khudaban. Hallelujah. Oh yes, Lord Jesus khudaban. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਚ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੱਗੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ 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 ਲਾਰਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾ ਲਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਾ ਫਜ਼ਲ ਉਸਕੀ ਤਸੱਲੀ ਉਸਕਾ ਇਤਮਾਨ ਹਮ ਸਭੋ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੋਤਾ ਰਹੇ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਮੀਨ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ Amen. Amen. Amen.